जय हिंद गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर फाइन। तो आज हम लोग का ये थर्ड ब्लॉग है और आज के इस ब्लॉग में ना आपको गाइस बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज के इस ब्लॉग में ना मैं कुछ यूनिक चीज़ दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। तो आप जो ये बोर्ड देख रहे हैं ना, ये एक नया बोर्ड है। तो ये जो बोर्ड देख रहे हैं एकदम नया है, इसको आज ना पानी में उतारेगा। ये ना सरदार जी का मामा का बोट है। ये अंडमान में ना ऐसे पहले बनाते, फिर फिशिंग के लिए इसको समुंदर में छोड़ते हैं। तो अंत तक बने रहिए गाइस, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप ना स्किप मत कीजिए वीडियो को। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इतने सारे लोग ये बोट का पूजा के लिए यहाँ पे आए हैं, तो स्किप मत कीजिए, अंत तक बने। देखिए सरदार जी भी नाव को समुंदर में गिराने के लिए लेके गया है। तो देख लीजिए इतना जन मिलके। आप लोग देख लीजिए किस तरीके से मतलब बोट को समुंदर में उतर रहा है। सरदार जी तो पूरा एक्साइटेड है। सरदार जी आने के बाद उनसे पूछेंगे उनका फीलिंग कैसा है। तो गाइस देखिए यहाँ पे इस तरीके से बोट बना करके फिर उसको नीचे उतारा जाता है। तो सरदार जी का शायद उनका शूप भीग जाएगा करके वो ऊपर आ गया। ये नाव जो है इससे फिशिंग होगा। तो ये सरदार जी का मामा का नाव है। ये है उनका मामा, ये जो मेरे सामने खड़े है, हाफ पैंट व्हाइट शर्ट। देखिए वो लोग कितना कोशिश कर रहे, बहुत पूरा ताकत लगा रहे। तो और थोड़ा ही बाकी है नीचे जाने के लिए। बस अभी चले जाएगा। गंगा मैया की जय। तो गाइस फाइनली उस नाव को समुंदर में उतर दिया है। अब देख लीजिए तो गाइस ये देख लीजिए मेरा मामा कलर का, इसका नाम है प्रोमी। तो फुल एंजॉय कर रहा है एकदम, वो है मामी। गाइस आप लोग यहाँ का नज़ारा देखिए कितना ब्यूटीफुल है। जहाँ जहाँ मतलब टूरिस्ट नहीं पहुँच सकते ना, मैं आपको पहुँचाऊँगी इस ब्लॉग के माध्यम से। अब प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। अरे देखिए हेलो छोटू कोई। गाइस आप लोग सरदार जी का एक्साइटेड देखिए, वो तो एकदम वो बोट अभी छोड़ेगा ना, तो निकल गए हैं, बोट पे चढ़ गए वो सरदार जी। मैं बोला, मुझे बोला कि आप यहाँ पे रुको, मैं थोड़ा चढ़ के आता हूँ। बोला ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट 8:20 का। हवे हवे हवे
আমার দাদু মনে হয় যাচ্ছে কাজে নাকি দাদা तो गाइस ये देखिए और एक बोट तैयार हो रहा है फिशिंग के लिए। तो वो मामा का जो नाव है जिसका ओपनिंग था वो लोग वो साइड गया है घूमने के लिए। और ये देखिए ये सब नाव अभी तैयार हो रहा है फिशिंग के लिए। अभी ये लोग निकलेगा तो सारा दिन फिशिंग करेगा। और उसमें जो बॉक्स देख रहे हैं वो आइस बॉक्स है, उसके अंदर आइस भर के लेके जा रहे हैं और आने का टाइम फिश भर के लेके आएगा। बहुत मजा आने वाला है। अभी जा रहे हैं और सुबह आएगा। सुबह? अच्छा सारा दिन ऐसे रहेगा तो रात में किधर रहेगा? तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा रात में फिशिंग करेगा ना अभी? रात, ओ, रात में तो ज्यादा मच्छी मतलब पकड़ने आता है ना। ओहो इसलिए बड़ा बड़ा फिश लेके आएगा। तो देखिए गाइस ये है अंडमान का फिशिंग करने का तरीका। ये बोट लेके ये लोग जाते हैं। अभी तो एक एक करके सब नाव निकल जाएगा। यहाँ पे जितने सारे नाव हैं सब निकलेगा, एक एक करके सब निकलेगा और रात भर फिशिंग करेगा। वो लोग सुबह फिश लेके आके मार्केट में बिक्री करेगा। तो देख लीजिए आप। और हर एक शिप में ना पूरा एकदम इंडियन झंडा है, क्योंकि कोस्ट गार्ड का चेकिंग रहता है ना, कोस्ट गार्ड का बोट घूमता है तो झंडा लगा रहना जरूरी है। क्योंकि अभी वो डुंगी में मम्मी आ रहा है। ओ मेरे मम्मी भी उसमें है, सासू मॉम है उसमें। सासू मॉम तो कितना मुश्किल से चढ़े हैं बोट में, उनका तो कपड़ा वपड़ा सब भीग गया। तो अभी जब उतरेंगे ना वो लोग मैं आपको दिखा दूंगी। तो देखिए ये लोग कितना तैयारी कर रहा है निकलने के लिए। जाल सब वो बोरा में एक जाल था तो वो लोग आ गए। चलिए हम उसको लेके चलते उस साइड। तो गाइस मम्मी लोग पहुंच गए हैं। नया बोट है ना इसलिए वो लोग पूरा मजा ले रहे हैं। एक ही दिन चढ़ पाएगा क्योंकि अभी ओपनिंग है ना उस बोट का, इसलिए कल से तो फिशिंग के लिए निकल जाएगा। वो देखिए मम्मी हाथ हिला रहा है। वो देखो मामी भी है और सासू मॉम भी है, फुल एंजॉय में है वो लोग। तो बहन भी है। अभी वो लोग उतरने वाले हैं। वो लोग ना बहुत मजा करके, मैं तो नहीं गई क्योंकि ना मैं चढ़ने से ना मुझे उल्टी हो जाती, इसलिए मैं नहीं गई। बाकी सरदार जी तो गया था। ओ नो देखिए आप एक एक करके वो लोग उतरेगा। बच्चा लोग को देखिए आप कितना एक्साइटेड है। वो तो वो देखिए आप कितना सुंदर स्विमिंग कर रहे हैं, पर मुझे तो स्विमिंग नहीं आती है। नीचे रो इसे नाम हो। अभी तो एक एक करके उतरे। वो देखिए मामी, वो गिरने ही वाला था। सासू मामा का थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मम्मी तो पूरा का पूरा नहा लिया एकदम। मम्मी आ रही है। हाँ वो देखिए सब लेडीज लोग को साड़ी पहन के कितना मुश्किल है। सब गिर रहा है। तो बोलो कैसा लगा? अच्छा लगा। ओ गिर गया। मम्मी का भाई का शिप है तो मम्मी तो पूरा एक्साइटेड है क्योंकि मम्मी का भाई का नाव है। तो मम्मी पूरा एक्साइटेड है। सुबह से मम्मी की खिचड़ी बनाई और सारा प्रसाद जो है मम्मी ने बनाई। तो आप देख लीजिए। तो मम्मी नहीं चढ़ने से क्या मजा नहीं आता? ধরো কিনা দেবা সে ধরো কি ব্যাপার ধরো এটা একটু করে ধরো আপনি দেখেই হ্যাঁ আপনি কতনি সুন্দর সুন্দর ভিউ দিখাই হ্যাঁ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी वीडियो और सारे ब्लॉग और जितने मैं ब्लॉग और ट्रैवलिंग का वीडियो बनाऊंगी वो सारे के सारे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। एंड टेक केयर योर सेल्फ। बाय, फिर मिलते हैं।